जब वैक्सीन आया तो वैक्सीन, जिस वैक्सीन के कारण हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक कवच मिला, जिस वैक्सीन ने देश के अंदर अब तक 11 करोड़ लोगों को सुरक्षा का कवच, 111 करोड़ लोगों को सुरक्षा, 125 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन अब तक सुरक्षा कवच दे रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ लोगों को हम सुरक्षा का कवच दे रहे हैं, वह वैक्सीन उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा था कि वैक्सीन, ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। अब ये वैक्सीन लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का। वैक्सीन लगा लोगे तो कुछ सच बोलने की आदत हो जाएगी, नहीं तो झूठ पे झूठ बोल करके जैसे आजमगढ़ के लोगों को धोखा दे रहे थे, प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे थे। आजमगढ़ में मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाया। आया विश्वविद्यालय, मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी नहीं बन पाया था, एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया था, यानी सब काम सिफई में होने थे। आजमगढ़ विकास के लिए कहां था?